आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बादाम की कतली। और बादाम की कतली आपने अमूमन रेस्टोरेंट या किसी भी बाहर किसी ओकेजन पे आपने खाई होगी, और ये मिठाई आप घर पे भी अपने आराम से बना सकते हैं और ये बिल्कुल जल्दी रेसिपी बन जाती है। तो आज की रेसिपी सीखने के लिए जानते हैं किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो या आज की रेसिपी वाली ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक लाइक का बटन है उसे दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों तक ये मेरी वीडियो जरूर पहुंचाए। बादाम की कतली बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 कप बादाम, आधा कप शुगर, चीनी और ये 3 बड़े चम्मच दूध है जिसमें मैं ये केसर है इसमें ये मैं केसर के कुछ धागे मिक्स करूंगी। और ये इलायची पाउडर है, ये मैंने खुद अपने आप बनाया है। आपको बाजार में इलायची पाउडर अलग से मिल जाता है, आप वो यूज कर सकते हैं। 8 या 10 मैंने इलायची ली थी, उनको कूट के मैंने ये पाउडर तैयार किया है। और ये 3 बड़े चम्मच पानी चाशनी बनाने के लिए हम यूज करेंगे। और ये देसी घी। तो सबसे पहले हम अपने बादाम को एक बर्तन ले लीजिए, उसमें इतना पानी डालिए कि ताकि आपके बादाम अच्छे से डूब जाएं। तो हम इसमें ये देखिए ये बादाम इसमें ये डाल देंगे और जब तक ये पानी खौलता पानी बिल्कुल ना हो जाए, उबल ना जाए, तब तक हम इसे उबालेंगे। इस पानी को हम उबालेंगे और 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिए हमारे बादाम जिसमें हमने डाले थे वो पानी अच्छी तरह से उबल चुका है। हम गैस बंद कर देंगे और इसे 5-10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। आप चाहे तो इसको ठंडे पानी में भी निकाल सकते हैं बाद में 5 या 10 मिनट बाद, लेकिन मैं 30 मिनट्स तक इसे ऐसे ही रहने दूंगी। जब तक हमारा वो पानी ठंडा होता है तब तक हम ये केसर के धागे सबसे पहले तो हम ये दूध में डाल देते हैं। थोड़े से धागे आप इसमें दूध में डाल दीजिए ताकि ये कलर अपना छोड़ दें। हम सिर्फ आप ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर केसर ना हो तब भी आप बादाम कतली बना सकते हैं। तो ये जब ये मिक्स हो जाएंगे तो ये अपना कलर छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने इसका गर्म पानी जितना था वो स्ट्रेन कर लिया है और उसके बाद इसे ठंडे पानी में डाल दिए ताकि हम इसके अच्छे से पील कर सकें, इसको छील सकें। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल ठंडा पानी में इसमें डाल दिया है। तो ये देखो छीलना इसका बिल्कुल आसान है, ये देखो बस ऐसे करके ये छील इसका आराम से छिलका इसका उतर जाएगा। आप एक एक करके सारे बादाम को ऐसे छील दीजिए। ये देखिए हमारे बादाम छील कर हमने तैयार कर लिए हैं। हल्का आप इसको ड्राई कर सकते हैं, अगर ना भी ड्राई करें तब भी। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंडर में डालेंगे और इसका पाउडर फ्रेम में इसको तैयार कर लेंगे। तो हम मिक्सी में इसको डालते हैं। अब ये बादाम आप इसमें जार में मैंने डाल दिए हैं और ये हमारा केसर है, केसर वाला दूध वो भी हम इसमें डाल देंगे जो हमने धागे डाले थे। और हम इसे फाइन पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी है। और इसे पेस्ट बनाने के लिए मैंने आपको मैं बता दूं कि मैंने दूध और इस्तेमाल किया है। इसमें आप दूध और डालें ताकि ये अच्छे से हमारा ग्राइंड होके अच्छा फाइन पेस्ट तैयार हो जाए। तो मैंने दूध और डाला है, आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि इसमें दूध और डालना पड़ेगा। तो ये मैं निकाल रही हूँ, गैस ऑन कर लीजिए आप। अब हम चाशनी बनाएंगे बादाम कतली के लिए। तो ये मैंने बताया था आपको, ये चीनी और 2 बड़े चम्मच तकरीबन हम इसमें पानी डालेंगे। हमारी चाशनी जो है पक रही है। ये इलायची पाउडर है, ये देखिए मैंने आपको बताया था, ये भी हम इस चाशनी में डाल देंगे। और जब तक हमारी एक तार वाली चाशनी हम बनकर तैयार नहीं होती हमें तब तक इसे कुक करना है। अब हम चेक करने के लिए चेक करेंगे कि एक तार चाशनी हमें चाहिए। तो हम अब देखिए गर्म है, थोड़ा ध्यान से हम उंगलियों पे दोनों फिंगर पे ये देखिए एक तार बन रही है। ये देखिए
तो हम ये वन स्ट्रिंग बन रही है हमारी, तो हम ये हमारी चाशनी ओके है। तो मैंने बिल्कुल कम कर दिया है सेक इसका, और मैं अब ये देखिए ये बादाम का जो पेस्ट है वो अब हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसे, जब हमने बादाम पेस्ट डाल दिया है और चाशनी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमें लगातार मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते रहना है, ताकि जब तक हमारी इसमें थिकनेस ना आ जाए, गाढ़ा ना हो जाए ये पेस्ट हमारा। ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है, ये हमारा केसर का कलर है जो दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है वैसे ये कलर। बट ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर नहीं है, इसके बिना भी आप ये कतली को तैयार में आप बनाएं, जब भी आप बनाएं ये कतली, आप इसे नॉन स्टिक में बनाएं, क्योंकि नॉर्मल बर्तन में ये चिपक सकती है, नीचे लग सकती है। लगातार आप इसको चलाते रहें, आप 1 मिनट के लिए भी आप यहाँ से इधर उधर ना जाएं, कंटिन्यू आप इस पे ध्यान दीजिए। फ्लेम थोड़ा कम कर दीजिए। मैं इसमें ये 1 चम्मच घी का यूज़ कर रही हूँ, 1 चम्मच घी मैंने इसमें डाल दिया। फ्लेम मीडियम फ्लेम पे अब आप इसे कर लीजिए, मीडियम फ्लेम पे ही आप इसका पकाइए। जैसे ही हमारी रेसिपी में थोड़ी हल्की सी थिकनेस दिखेगी, हम ये गैस बिल्कुल ऑफ कर देंगे। ये देखिए जो हमारा बादाम का जो पेस्ट है, इस पेस्ट ने अब हमारे बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए चिपक नहीं रही नीचे, और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए थिकनेस बिल्कुल अच्छे से थिकनेस आ चुकी है इसमें, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए अब मैं ये गैस ऑफ कर रही हूँ, और ये जल्दी से ठंडी हो जाए, इसे हम किसी भी आपके पास कोई भी बर्तन है उसमें आप निकाल सकते हैं। तो उसे निकालने के लिए पहले हम ये देखिए हमारी बिल्कुल थिकनेस अच्छे से ये तैयार हो गई है। बिल्कुल गैस हम ऑफ कर देंगे, और ये पेस्ट किसी भी बर्तन में आप उस बर्तन को ग्रीस कर लीजिए, उस बर्तन को ग्रीस कर लीजिए, और उस बर्तन में ये ठंडा होने के लिए इसमें डाल दीजिए। देखिए ये हमारी बिल्कुल अब हम उतनी ठंडी होनी चाहिए जितना हम इसे अपने हाथों पे उठा सके। तो हाथों पे उठाने के लिए सबसे पहले मैं अपने हाथों को ग्रीस कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत तो ये चिपकेगी। हल्का सा घी आप हाथों में लगा लीजिए, और आप अपने ये देखिए बेलन को भी मैंने ग्रीस कर लिया, और जिस सरफेस पे मैं इसको लेके जाऊंगी अपने चॉपिंग बोर्ड को, उसको भी मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया। आप चाहे किसी बटर पेपर पे इसे ले सकते हो, या कोई भी बर्तन, या कोई बड़े बड़ा बर्तन आपके पास है, उल्टा प्लेट करके आप उसको ग्रीस कर लीजिए। और ये मैं अभी इसको हाथों पे लूंगी जैसे आटे की तरह। ये देखिए ऐसे, और ये जितना पेस्ट है आप ये सब उठा लीजिए, और ये इसके ऊपर मैं डाल दिया है। पहले आप इसको हाथों से सेट कर लीजिए। अब इसको मैं इसको अपनी तरफ घुमा रही हूँ, तो ये ग्रीस मैंने कर दिया। आप चाहे तो और ग्रीस करना चाहे तो कर सकते हैं, मैंने और ग्रीस कर दिया। अब हम इसको लंबा बेलेंगे हल्के हाथों से। इसको थोड़ी शेप ठीक कर देंगे, क्योंकि हमें रेक्टेंगल शेप इसमें चाहिए। हम इसे ऐसे सेट होने के लिए, या आप फ्रीजर में भी डाल सकते हैं इसको सेट होने के लिए, ताकि ये अच्छे से जम जाए। जमने के लिए हम इसको कम से कम 30 मिनट के लिए इसको छोड़ दो।
ये देखिए हमारी बादाम कतली जो है बिल्कुल जम चुकी है। अगर आप इसे जमाना जल्दी जाते हैं तो इसे फ्रीजर में डाल दें, तकरीबन 15 या 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि अच्छे से जम चुकी है। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे जमाना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये जम जरूर जाएगी। तो मैं अब ये पीसेस देखती हूँ काट के। आप कोई भी शेप अपनी कतली को दे सकते हैं। ये देखिए हमारी बादाम कतली बनकर तैयार है। मैंने बिल्कुल स्मॉल पीसेस में इसे काटा है। ये देखिए आप इसे बड़े पीसेस में भी काट सकते हैं, मैंने स्मॉल पीसेस किए हैं। और इसे 1 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और जब चाहें खा सकते हैं। और ये बिल्कुल प्योर है, आप अपने हाथों से इसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल प्योर है, इसमें किसी भी की तरह की मिलावट नहीं है। चांदी का अर्क भी आप ऊपर से लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो ये खाइए, क्योंकि मेरे तो घर में ये बचने वाला नहीं है, क्योंकि सभी खाने वाले हैं, खत्म। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी मुझे अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जल्दी आपके लिए मैं एक नई रेसिपी लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।